हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार कंचन को हटा दिया गया है। कुछ और अधिकारी भी इस कार्यवाही की जद में आए हैं। आरोप है कि कलेक्टर से लेकर एसपी साहब तक सभी अधिकारियों ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। मसलन एसपी संजीव कुमार ने घटना के बाद फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने में लापरवाही बरती। कलेक्टर और बाकी अधिकारी भी विभिन्न खामियां उजागर होने के बाद भी फैक्ट्री के संचालन को रुकवाने में नाकाम रहे। अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद इस तरह की कार्रवाई आम है। बड़े अधिकारियों को उनकी जगह से हिला दिया जाता है या कुछ दिन के लिए घर बैठा दिया जाता है। निश्चित तौर पर कड़ा संदेश देने के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह कार्रवाई केवल अफसरों तक ही सीमित रहनी चाहिए? क्या संबंधित जिले के विधायक और दूसरे प्रमुख नेताओं से सवाल जवाब नहीं किए जाने चाहिए? हम कलेक्टर या एसपी जैसे अधिकारियों को लाख दोषी मान लें, लेकिन उनके काम में राजनीतिक दखलंदाजी से भी इनकार नहीं कर पाएंगे। क्या किसी रसूख वाले के खिलाफ कार्रवाई बाजार से मूंगफली खरीदकर खाने जितना आसान है? गलत करने वाले किसी मामूली नेता पर भी कार्रवाई से पहले अधिकारियों को 100 बार सोचना पड़ता है, नफे नुकसान का गुणा भाग करना पड़ता है। तो फिर यहां तो बात पटाखा फैक्ट्री के मालिक की थी। सीएम मोहन यादव अफसरों को लेकर अब तक बेहद सख्त रहे हैं। अब उन्हें अपनों पर भी सख्ती दिखाने की जरूरत है, ताकि हरदा जैसी आंखें नम कर देने वाली तस्वीरें कहीं और देखने को ना मिलें।